देना, सीधी आज्ञा पहुंचा देना। ऐ कमल पुष्प काली दह में नंद से उसे मंगवा लेना। कमल पुष्प काली दह में तन से उसे मंगवा लेना। अरे दुनिया में कौन बहादुर है जो कोता वहां लगाता है। नारद जी ने कंस से कहा, एक काम करो, जय हो, बड़ा सुंदर भाव है और तमाम प्रकार से कथा में दान आ रहा है। ठाकुर जी महाराज कल्याण करें, इनका जीवन मंगलमय हो। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो श्री राधे। नारद जी इतना कह के वहां से चले जाते हैं। नारायण नारायण करते हुए ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद बाबा चले गए। और इधर कंस ने फिर एक ऑर्डर निकाला, कंस ने फिर एक ऑर्डर निकाला, नंद यशोदा गोपी ग्वाल कान खोल के सुन लो, अगर मुझे कमल पुष्प नहीं मिला तो मैं तुम सबको जेल में बंद कर दूंगा। जब कंस ने ऐसा ऑर्डर निकाला तो मैया यशोदा रोने लगी। मैया कहने लगी, ये कंस तो मेरे लाल के पीछे ही पड़ा है। और मैया रो रही है, इधर कन्हैया आए और अपनी मैया के गले से लग गए। मैया री मुझे माखन धोना, मैया री मुझे माखन धोना। माता रोने लगी, मेरे लाल आज माखन मिश्री खा ले, कल पता नहीं क्या होने वाला है। माता बोली, खा ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को। जय हो। राकेश जी के यहां से कथा में दान आया है भगवान कन्हैया कल्याण के। माता बोली, खा ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या पता हमें लाला, कल से क्या पता हमें लाला, तरसना पड़ेगा रोटी को। माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी।
ले लाल आज माखन मिश्री खा ले। कन्हैया ने कहा माँ तू रो रही है, धिक्कार है ऐसे बेटे को जिसकी माँ आंसू बहाए। बोल मैया किसने तुझे क्या कहा बता दे माँ। जो उंगली माँ की ओर उठे वो उंगली अभी तोड़ डालूं, जो आंखें माँ की ओर दिखे वो आंखें अभी फोड़ डालूं। बोल मैया किसने क्या कहा। कन्हैया ने कहा माँ तेरी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, मैं आंसू नहीं देख सकता। तेरी आज्ञा हो तो मैया इंद्रासन अभी हिला डालूं। बोल माँ लेकिन माँ नहीं बता रही है। जब मैया ने नहीं बताया तो भगवान श्याम सुंदर जाते हैं नंद बाबा के पास। कहा पिताजी एक बात बताओ मैया क्यों रो रही है। नंद बाबा ने कहा मेरे लाल कंस का संदेशा आया है, अगर उसे कमल पुष्प ना मिला तो वो हमें जेल में डाल देगा बेटा। जब कन्हैया जान गए कमल पुष्प लाना है तो भगवान तो लीलाधर हैं, लीला करते हैं। आज यमुना के किनारे जाते हैं कन्हैया अपने सारे मित्रों के साथ और वहां गेंद का खेल होने लगा। गेंद का खेल होने लगा, खेल खेल में कन्हैया ने गेंद फेंकी तो गेंद जाकर के यमुना में गिर गई। और जब गेंद यमुना जी में गिर गई तो गेंद थी कन्हैया के मित्र दामा की, दामा की गेंद थी। दामा ने कहा कन्हैया मेरी गेंद तुमने फेंका है यमुना जी में और मेरी गेंद मुझे ला करके दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, जिस समय दामा ने कन्हैया से गेंद मांगा उस समय सारे सखा कहने लगे दामा से तुम्हारी और बोली बच्चे भाग जल्दी। अरे सौभाग्य समझ अपना लाला नाग कालिया सोता है। भगवान कन्हैया ने कहा नागन मुझे डराने की कोशिश ना कर। मुस्कुराने लगे भगवान कन्हैया जब नागन का अभिमान देखा। कृष्ण चंद कहने लगे सुना न अपने गीत, भय दिखला कर नाग का करना मुझे भय भी। जिसका तू नाम ले रही है नागन मैं उससे मिलने आया हूँ, जिसके तू गीत सुनाती है मैं पास उसी के आया हूँ। नागन कहने लगी, नागन कहने लगी मुझे डराने की कोशिश हाँ ना कर। जय हो चेंज कर दो सीरा दे लाइट। और इतना कह के भगवान कन्हैया ने अपने पैर के अंगूठे से कालिया नाग की पूंछ को दबा दिया। तो देखा होगा काला वाला नाग
बहुत जल्दी। हाँ हाँ, जैसे कन्हैया ने कालिया नाग की पूछ दबाया, काली नाग एकदम से तैयार। दूसरे छोर पर कन्हैया, इधर काली नाग। अरे सन सन फन 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 ध्वनि कर, सन सन फन 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 ध्वनि कर, वो मनमोहन से लिपट गया। बांध लिया, बड़ी जल्दी स्प्रिंग जैसा बन जाता है। काला नाग देखा होगा, स्प्रिंग की तरह एकदम से बांध लिया कन्हैया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। मेरे श्याम सुंदर को काली नाग ने बंधन में कर लिया, लेकिन उसे कौन बंधन में बांध सकता है जिसने सारी दुनिया बांध रखा हो। भगवान कन्हैया उस समय लीला करते हैं। भगवान कन्हैया लगे अपने शरीर को बढ़ाने, और जब कन्हैया शरीर बढ़ाने लगे तो काली नाग चूर चूर होने लगा। काली समझ गया, तुरंत काली नाग छुड़ा के दूसरे छोर पर फिर तैयार हुआ, और बड़ा घनघोर युद्ध होता। काली नाग के साथ भगवान कन्हैया का बड़ा घनघोर युद्ध होता है, और उस समय भगवान श्याम सुंदर करते क्या है, भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर निकाला, भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर निकाला, और पीतांबर निकाल के कन्हैया ने अपने कमर में एकदम से बांधा। जय हो ठाकुर जी महाराज, उनकी लीला ही बड़ी निराली है। भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर कमर में बांधा, और एकदम से काली नाग के फनों पर चढ़ गए। जानते हो कितने फन थे काली नाग? 101 फन। एक फन वाले से कितना डर लगता है, बड़ा भिसेला होता है नाग का, याद रखे। आज भगवान श्याम सुंदर काली नाग के 101 फनों पर चढ़ गए, और लगे मुरली बजाने लीला धर। राधे जय हो भगवान कन्हैया, काली नाग के फनों पर चढ़ गए और मुरली बजाने लगे हैं। हाँ, और भगवान उछल उछल के काली नाग के फनों पर नाचते। हे प्रभु नाथ, प्रभु नाथ काली के फन, ¡Gracias!
काली नाग के 101 फनों पर उछल उछल के नाच रहे, देखा होगा तस्वीर में आप लोगों ने, भगवान मुरली लिए काली नाग के फनों पर नाचा करते हैं। इतना नाचे भगवान कन्हैया उछल उछल के कि काली नाग के फनों से खून निकल आया। और जब काली नाग के फनों से खून निकल आया तब नागन हाथ जोड़ के आई, सारा अभिमान चला गया। काहे दीनानाथ दया के सागर मेरे पति को यूं तड़पाओ नहीं, अगर देना है तो इसे मौत दे दो। अब पहले नागन क्या कह रही थी, ए बच्चे आज क्या मेरा पति सो रहा है, नहीं तेरे प्राण चले जाएंगे। नागन का अभिमान बोल रहा। और जब ठाकुर जी उछल उछल के नाचे काली नाग के फनों से खून निकल आया तब नागन दोनों हाथ जोड़ के आई है। इसलिए अभिमान दुनिया में किसी का नहीं चलता। हाँ किसी का अभिमान होता है तो इसे भगवान डाउन करते हैं। इसलिए कहा गया अहंकार अति पुसत डमरुआ, अभिमान रूपी डमरू बच जाए तो समझ लेना व्यक्ति का पतन शुरू हो गया है। इसलिए दुनिया में आकर के कभी अहंकार न करे, अभिमान न करे। जो भी कुछ दिया हुआ है सब मालिक की लीला है, मालिक की कृपा से हो रहा है। मालिक से क्या अभिमान है, जब भी कथा में जाएं बड़े भाव से जाएं, उनकी लीला ही बड़ी निराली है। जय हो। और दुनिया से एक दिन जीव को तो जाना ही होगा, आना जाना लगा हुआ है। इसलिए याद रहे हाँ। अरे किस धुन में बैठा पावरे, किस मन में तू मस्ताना है, सुनने वाले कुछ ना लेकर के आता है ना लेकर के जाता है। गीता में कहा गया है तेरा क्या खो गया है जो तू रो रहा है, तू जैसा आया था वैसा ही तो जा रहा है। क्या लेकर के आया जग में, फिर क्या लेकर जाएगा।
कोई आज गया कोई कल गया कोई कल रोज से जाएगा कोई आज गया। और घर में फिर नहीं आता है। एक बार शरीर से प्राण निकलने के बाद इस शरीर में पुनः प्राण नहीं आते, यही तो लीला है रघुनाथ। जिस घर से पंछी निकल गया उस घर में फिर नहीं आता है। घर सोने वाले श्रवण करने के अधिकारी हैं, सब कर्मों का प्रताप है, इसलिए हमेशा सत्कर्म ही करते रहना चाहिए, यही मानव का धर्म है। और आज भगवान कन्हैया के सामने नागन हाथ जोड़ती है, हे दया धाम दया निधान, आपकी ही माया है, दुनिया में आपसे बड़ा कौन है, मेरे पति को यूं तड़पाओ नहीं, देना है तो इसे मृत्यु दंड दे दो। जब नागन ने तमाम प्रकार से भगवान कन्हैया के सम्मुख ऐसा कहा है तो भगवान श्याम सुंदर को दया आ जाती है। और उसी समय भगवान कन्हैया आज
तमाम प्रकार से रमणद्वीप में काली नाग को भेजा है और वहां से कमल पुष्प लेकर के वापस आते हैं। ये भगवान कन्हैया की लीला है, बड़ी ही सुंदर और अग्रिम चर्चा रात्रि कालीन की बेला में आप श्रवण करेंगे। आगे आज सुंदर सुंदर झांकियां भी आपको दिखाई जाएंगी, बड़ा आनंद आएगा। समापन दिवस है रात्रि की बेला में। जय हो। और सबका बहुत बड़ा स्नेह रहा, बहुत बड़ा प्रेम रहा। इस कल्लखेड़ा गांव के भक्तों ने बड़ी सेवा किया, सबका हृदय से मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। अगर कोई गलती इस प्रबल से हुई हो तो हमें अपना समझ के क्षमा कर देना। हाँ, हम भी आपके अपने हैं। जय हो। ये आपकी महत्ता है, ऊंचे आसन पे आपने बैठा रखा है। चलते चलते गीत सुनते हैं। जय हो। अरे कल होगी प्रबल की विदाई, नगरिया चोरी छुट जाई। तमाम लोग कथा सुनने आते रहे, भगवान कन्हैया की कृपा सब पर बनी रहे, यही व्यास मुनि से कहना है। कथा को सुनकर परिवर्तन हो जीवन में आए हरियाल। अरे याद रखियो, याद रखियो सकल नर नारी, नगरिया छुट जाई। यहाँ के तमाम नन्हे नन्हे बच्चे बड़े प्यारे हैं, मालिक से कहना है इन बच्चों में सद्बुद्धि आए, सद्भावना का विकास हो, ऐसे ही धर्म में बच्चे लगे रहे।